बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टांगों में कड़ोल पड़ना, जिसे कुछ ज़ुबानों में कड़ोल बोलते हैं, कुछ में मकोड़ बोलते हैं, या नस पे नस का चढ़ जाना, पिंडलियों में दर्द, इन सब के इलाज और इनके असबाब, इनकी टिप्स और टोटके वगैरह बताने वाली हूँ। आज की वीडियो मेरी बहुत ज़बरदस्त है, तो प्लीज़ वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। हम में से कई लोगों को नस चढ़ जाना, टांगों और पिंडलियों में खिंचाव और दर्द महसूस होना, ऐसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। रात को सोते वक्त अचानक पिंडलियों या टांगों में ऐंठन होती है और कुछ वक्त के लिए शदीद दर्द होता है, नस पर नस चढ़ जाती है, अलबत्ता कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाता है। तभी इसके साथ टांगों या पैरों में जलन भी होती है, सुइयाँ चुभती महसूस होती हैं और टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग इसके असल असबाब को तलाश करने के बजाय कोई दर्द की गोली खाकर गुजार देते हैं या इसका सही इलाज नहीं है, इससे मर्ज अंदर बढ़ता रहता है और गोलियों के मुसलसल इस्तेमाल करने से मादा, जिगर, ब्लड प्रेशर जैसा मसला भी पैदा होने लगता है। इस मसले को बिल्कुल बेपरवाह नहीं होना चाहिए। बहुत आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनका इस्तेमाल करके बआसानी इस मसले पर काबू पा सकते हैं। इस मर्ज के ज़ाहिरी असबाब में एक ही जगह पर बैठे रहने से या लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन पर खड़े रहना और लंबे सफ़र में पैदल चलना शामिल है। इसके अलावा जो लोग दिन भर बैठे काम करते रहते हैं और किसी भी तरह की एक्सरसाइज या जिस्मानी मेहनत बिल्कुल नहीं करते और किसी किस्म की जिस्मानी कामों में शामिल नहीं होते, ऐसे लोग के एसाब कमज़ोर हो जाते हैं, पट्ठों और नसों में कमज़ोरी पैदा होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर ना होने की वजह से टांगों और पिंडलियों की तरफ दौरान खून बेहतर ना होने के बाइस टांगें सुन्न होने लगती हैं और इनमें खिंचाव, दर्द और ऐंठन होने लगती है। जबकि अच्छी सेहत बख्श ग़िज़ाओं के बजाय गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, फल, सब्ज़ियाँ और गोश्त मछली के बजाय फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे से बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और मसनूई ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहने से हमारे जिस्म में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पर आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स के बाइस खून की कमी होती है, जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, दौरान खून में खलल वाक़ होने लगता है, जिस्म में पानी की कमी, गुर्दों की खराबी, यूरिक एसिड की ज़्यादती, वज़न का बढ़ जाना या मोटा, टेंशन, शरियानों की तंगी, शराब नोशी की कसरत इसकी बुनियादी असबाब शामिल हैं। हाथ पैरों के सुन्न होने का मसला एसाबी कमज़ोरी के साथ दिमागी कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी की शिकायत पाई जाती हैं। ऐसे में मछली का इस्तेमाल ज़रूरी करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को टांगों में या पिंडलियों में ऐंठन होती है, ऐसे लोगों को अंजीर इस्तेमाल करना चाहिए। अंजीर एसाब की सख्ती और तनाव को कम करके खिंचाव जैसे मसले से जल्द निजात दिलाने में मदद करती है। इस तरह आप देसी अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नसों में दौरान खून को बेहतर बनाती है, ब्लॉकेज और तंगी को दूर करती है। अलसी का इस्तेमाल करें, जिसमें मैग्नीशियम की अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसमें कैल्शियम का पर आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड और पोटेशियम भी मौजूद होते हैं। ये तीनों चीज़ें नसों और पट्ठों के लिए बेहद मुफीद हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी बीमारी का सबब बन जाती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।